नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बघेल और मेरे साथ हैं दिव्यांशु जायसवाल, मेरे सहयोगी। लेकिन बात करने वाले हैं हम केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में आईपीएल 2022 का मुकाबला नंबर है 14 और खेला जाएगा एमसीए पुणे के ग्राउंड पर शाम को 7:30 बजे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्लेइंग 11 क्या होने वाली है मुंबई की तरफ से, मुंबई वाले वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो कोलकाता वाले 11 खिलाड़ियों के विपरीत उतरेंगे, उनसे खेलने के लिए उतरेंगे। इन 11 खिलाड़ियों पर ही डिपेंड करेगा कि मुंबई इस मुकाबले को जीतेगा या नहीं, क्योंकि अगर ये 11 खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस अच्छा ना दे पाए तो मुंबई को, दो तो हार ही चुके हैं, एक और हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं इन 11 खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया तो मुंबई अब अपना जीत का खाता जो है आईपीएल 2022 में खोल भी सकता है। फिलहाल मुंबई दो मुकाबले हार चुका है और पॉइंट्स टेबल में हाल उनका ख़राब है। लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स 3 में से 2 मुकाबले जीत चुके हैं, पॉइंट्स टेबल में अच्छी जगह पर हैं। लेकिन अब ये जो अगला मुकाबला है दोनों टीमों के लिए बराबर है, क्योंकि दोनों ही टीमें जीतने का प्रयास करेंगी। लेकिन मुंबई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मुंबई का भी खाता भी नहीं खुला है और इंतज़ार कर रहे हैं फैंस कि मुंबई की टीम कब वापसी करेगी, कब जो है मुकाबले जीतेगी और कब उनको उम्मीदें बढ़ेंगी। फिलहाल सूर्य कुमार यादव को लेकर अपडेट यह है कि सूर्य कुमार यादव ठीक हैं, लेकिन 11 में शामिल होंगे या नहीं इस पर संशय है, क्योंकि रोहित शर्मा ने यह कहा है कि हम उनको पूरी तरह से आराम देना चाहते हैं ताकि जब हम वापसी करें टूर्नामेंट में तब बढ़िया से स्ट्रांग कमबैक कर सकें। तो सूर्य कुमार यादव को लेकर थोड़ा सस्पेंस है, हालांकि हम बात करेंगे इसके बारे में भी। लेकिन क्या पूरी 11 वर होने वाली है इसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ दिव्यांशु मौजूद हैं। दिव्यांशु, अब बताइए मुंबई के वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो आज कोलकाता के खिलाफ उतरेंगे। देखिए, मुंबई इंडियंस यानी कि मुंबई पलटन, वैसे तो ये दुनिया हिलाने की बात करते हैं बट इनकी दुनिया इस सीजन में अब तक हिली हुई है, क्योंकि दो मुकाबले खेले, दोनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। पहले दिल्ली कैपिटल्स ने धूल चटाई, उसके बाद राजस्थान के रजवाड़े जो है एमआई पलटन पर भारी पड़ गए, पर अब तीसरा मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि नाइट राइडर्स से। तो ये मैच जो है इंपॉर्टेंट होगा मुंबई के लिए, क्योंकि नहीं चाहेगी कि हार की हैट्रिक हो। हालांकि मुंबई का जो पिछला रिकॉर्ड पिछले सीजन की कई बात करें तो जब जब ये शुरुआती मुकाबले हारती है तब ये आईपीएल ट्रॉफी उठाती है। बिल्कुल, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार मैच हारते जाएं, क्योंकि फैंस चाहेंगे कि मुंबई अपनी हार की हैट्रिक से बचे। अगर हार की हैट्रिक होती है तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खड़ी होगी, कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। 3 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स भी हार चुकी है, अगर आप भी 3 मुकाबले हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को वापसी करने की आदत नहीं है, मुंबई इंडियंस को वापसी करने की आदत है, करती आई है साल दर साल। हम हर साल इसके गवाह बनते हैं कि मुंबई इंडियंस कैसे बॉटम से उठ के टॉप तक आती है और ट्रॉफी उठाकर ले जाती है। बिल्कुल, ये बात तो देखिए मुंबई के पक्ष में जाएगी। तो बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की, क्या प्लेइंग 11 होगी। देखिए, ओपनिंग पेयर वही होगा जो हमेशा होता है, रोहित शर्मा और ईशान किशन। देखिए, रोहित शर्मा कप्तान है, हिटमैन है, हालांकि उनकी हिटिंग अभी तक ज़्यादा दिखी नहीं है। तो मुंबई इंडियंस एक्सपेक्ट करेगी इस मैच में कि रोहित शर्मा फॉर्म में वापसी करें और बड़े बड़े जो छक्के लगाते हैं। एक झलक तो दिखी थी हमें, लेकिन वो स्टार्ट ही मिली थी। बिल्कुल, लेकिन उसको जो है बड़े स्कोर में तब्दील करने में नाकाम रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा का फॉर्म मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अब टूर्नामेंट में वापसी करनी है, मुकाबले जीतने हैं क्योंकि आप बॉटम में हैं, तो आपके उस खिलाड़ी का फॉर्म बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर टीम काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है, और उसका नाम है रोहित शर्मा। देखिए, रोहित शर्मा के साथ ही साथ ईशान किशन काफ़ी इंप्रेस किया है। जितना भी पैसा मुंबई इंडियंस ने उनके लिए खर्च किया है, एक एक पैसे की वसूली अब तक उन्होंने करके दी है, क्योंकि लगातार 2 अर्धशतक हो गए। ऑरेंज कैप के जो है अभी दावेदार है, ऑरेंज कैप अभी उन्हें मिली थी, और अब देखिए आगे लगातार जैसे सीजन बढ़ता जाएगा उनसे और उम्मीदें बढ़ती जाएंगे। ऐसे ही मैच विनिंग पारी जो है वो खेले, हालांकि दोनों ही मैचेस में उनकी जो पारी है वो वेन में गई, यानी कि निराशाजनक रही, मैच नहीं जीत पाए, बट उनका फॉर्म जो है वो लगातार अच्छा हो रहा है। उसके बाद बात करें देखिए 3rd नंबर की, यानी कि अनमोल प्रीत सिंह की, हालांकि 2 मैचों में निराश किया है इस यंगस्टर ने। टैलेंट बहुत है, जिस तरह से खेल दिख रहा है उनका, बट पारी को चला नहीं पा रहे, आगे बढ़ा नहीं पा रहे। तो लगातार जो है एक्सपर्ट्स भी ये बात करते हैं कि अनमोल प्रीत सिंह का टैलेंट बहुत है बट उसके अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। तो इस बार सूर्य कुमार यादव की अगर बात करें, सूर्य कुमार यादव अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए, बट रोहित शर्मा ने जैसा कहा था पिछले मैच में कि हम उन्हें और ज़्यादा टाइम देना आराम देना चाहते हैं पूरी तरीके से, ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। और अगर इस मैच में देखिए उम्मीदें तो हैं,
अगर इस मैच में एंट्री होती है तो वो अनमोलप्रीत सिंह को रिप्लेस कर देंगे। अनमोलप्रीत सिंह की जगह जो है वो वापस आ जाएंगे सूर्य कुमार यादव, लेकिन उसके बाद का जो ऑर्डर है वो लगभग वैसे ही रहने वाला है। तिलक वर्मा आएंगे इनके बाद, और तिलक वर्मा एक इलेक्ट्रिशियन के बेटे हैं। किस तरीके से वो उठकर आए हैं पूरी स्टोरी हमने आपको स्पोर्ट्स फैक्ट में बता रखी है, किस तरीके से उन्होंने क्रिकेट में जो है सफ़र किया है। लेकिन अभी उभरते हुए स्टार है मुंबई इंडियंस की तरफ से, कमाल की पारी भी खेली थी, सभी का ध्यान जो है अपनी तरफ खींचा था, और यंग टैलेंट है। 2020 का जो वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 उसका भी हिस्सा थे, लेकिन एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं अपने खेल को दिखा करके मुंबई इंडियंस के लिए, और तिलक वर्मा भी इसमें रहेंगे। लेकिन तिलक वर्मा के बाद जो टीम रहेगी वो टीम कहीं ना कहीं मैं कहूँगा बीच की टीम है, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी एक तरीके से है, वहीं से डिसाइड होता है कि स्कोर किस तरीके का अगर जाना है तो वहां पर कायरन पोलार्ड आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए कायरन पोलार्ड, तिलक वर्मा अगर बात करें जिस तरह से वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इनिंग को, तो आगे नीचे आने वाले बल्लेबाज हैं उनके लिए आसानी हो रही है। कायरन पोलार्ड की बात करें, दो मैचों में निराश किया है कायरन पोलार्ड में। पहले मैच में भी सस्ते पर आउट हो गए कुलदीप यादव के खिलाफ, उसके बाद बात करें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, देखिए बहुत उम्मीदें थी कि वो मैच को लेकर जाएंगे, और हालांकि मैच लेकर गए आखिरी ओवर तक, बट नाम के अकॉर्डिंग जीत नहीं दिला पाए, क्योंकि कायरन पोलार्ड एक बड़ा नाम है, बड़ी मछली है जिसके इर्द गिर्द जो है मिडिल ऑर्डर मुंबई इंडियंस का घूमता है, बट जिस तरह का फॉर्म अभी तक दिखाया है, चाहे वो गेंदबाजी या बल्लेबाजी दोनों ही, निराश किया है कायरन पोलार्ड ने, और लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं, आलोचक जो है लगातार आलोचना कर रहे हैं, बट इस मुकाबले से वो वापसी कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है उनको, अभी तक मुंबई इंडियंस को कई मैच सिंगल हैंडली जिता कर गए हैं, तो इस बार उम्मीद करेंगे कायरन पोलार्ड, और इसीलिए उनको रिटेन भी किया गया था। देखिए मुंबई इंडियंस का एक मैं मजबूत स्तंभ कहूंगा इन्हें, और रोहित शर्मा जब अनुपस्थित होते हैं तब यही कप्तानी भी करते हैं, तो कायरन पोलार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन टीम के लिए वो फॉर्म वापस लेकर के आना पड़ेगा कायरन पोलार्ड को, और जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की इन दो हारों के कारण वो भी बनते हैं, क्योंकि उनका जो पुराना फॉर्म है वो वापस नहीं आया है। और कौन होंगे? देखिए उसके बाद होंगे टिम डेविड, अभी तक नाम के अकॉर्डिंग जो है काम नहीं किया है, हालांकि उनसे और ज्यादा अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, पिछले मैच में भी एक रन पर आउट हो गए, और देखिए अगर मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर कोई बल्लेबाज इस तरह से, एक तो आपके पास कायरन पोलार्ड का फॉर्म नहीं है, उसके बाद अगर आप भी फॉर्म नहीं दिखाएंगे, रन नहीं बनाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए जो है टारगेट से 23 रन पीछे रह गई थी मुंबई इंडियंस राजस्थान के खिलाफ, तो इस बार टिम डेविड से और ज्यादा उम्मीदें रहेंगी, बैटिंग अच्छा करते हैं, अच्छा फिनिशर के तौर पर खेल सकते हैं, बट जैसा कि अभी तक दो मैचों में परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो अब इस मुकाबले में यानी कि नाइट राइडर्स के खिलाफ अच्छी पारी की उम्मीद करेंगे अगर उनकी बैटिंग आती है। उसके बाद देखिए बात करें डैनियल सैम्स की, देखिए ऑलराउंडर हैं, बट पिछले मैच में जिस तरीके का इन्होंने शॉट खेला वो मतलब समझ ही नहीं आया अभी तक कि क्यों वो शॉट खेला गया। अभी तक उनको लेकर के काफी ज्यादा आलोचनाएं हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगी कि जरूरत नहीं थी उस शॉट की, फिर भी आपने खेला, और मुकाबले में संघर्ष किया जा सकता था, पहुंचा जा सकता था मुकाबले तक, लेकिन आपने वो भी नहीं किया, तो यहाँ पर थोड़ा सा है, और इस कलंक को मैं कहूँगा ये जो आलोचनाएं, इनका जवाब उन्हें देना पड़ेगा अपनी फॉर्म से, अपनी जो पिच पर जो उनकी फॉर्म होगी उससे, तो इनके लिए भी एक मुकाबला रहने वाला है, चुनौती भरा मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है वो काफ़ी अच्छी बैलेंस के साथ भी है, उसकी प्लेइंग 11 भी हमने आपको बताई, तो वो भी आपको स्पोर्ट्स पर मिल जाएगी। चलिए डैनियल सैम्स की बात करते हैं, डैनियल सैम्स एक अच्छा ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर गेंदबाजी में इनको, और मुंबई इंडियंस की तरफ से अभी तक मैं कहूँगा कि ठीक ठीक ही रहा है सीज़न, उतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन मुंबई इंडियंस के पास ये डैनियल सैम्स के रूप में जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं ट्रेंट बोल्ट के रिप्लेसमेंट हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर वो मान सकते हैं, लेकिन ट्रेंट बोल्ट को रिप्लेस करने के लिए ट्रेंट बोल्ट जैसा फॉर्म भी आना और उनके जैसा परफॉर्मेंस देना भी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी जो है जौहर जो है दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसे चलेगा तो फिर आप जल्दी ही टीम से ड्रॉप हो सकते हैं, तो आपके साथ अगर कायरन पोलार्ड थे उस मैच में तो आपको वो शॉट की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा था कि आप स्ट्राइक देते, कायरन पोलार्ड जो है पूरा खेल चलाते, बट आपको वहां पर टिकने की जरूरत थी, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, नया करियर है, युवा है, आगे जो भी मैच होंगे तो सीखते रहेंगे, और मुंबई एक्सपेक्ट करेगी कि डैनियल सैम्स जो है जिनके जिस काम के लिए उन्हें लिया गया है वो काम उनको करके दें। देखिए उसके बाद बात करें मुर्गन अश्विन की, बॉलिंग अच्छी करी थी पहले मैच में, हालांकि दूसरे मैच में उतनी अच्छी नहीं करी, महंगे साबित हुए, 3 ही ओवर डाले थे, तो मुर्गन अश्विन जिस हिसाब का उनका नाम है वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी स्पिन करते हैं, तो मुंबई इंडियंस एक्सपेक्ट करेगी कि इस मैच में स्पिन के लिए जो अटैक वो संभाल रहे हैं
तो वो अच्छा करें और मुरगन अश्विन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी क्योंकि स्पिन में एक ही वो एकमात्र स्पिनर है जो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो इस बार केकेआर के खिलाफ क्या मुरगन अश्विन तैयार हैं वो देखने वाली बात होगी बिल्कुल। और मुरगन अश्विन के बाद जो नाम है वो आ जाता है जसप्रीत बुमराह का, बूम बूम बुमराह का, क्योंकि बुमराह की जो फॉर्म है वो लगभग कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ठीक ठाक चल रही है और टीम के लिए मैं कहूँगा बुमराह इस सीज़न काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बुमराह तो ड्रॉप नहीं होने वाले हैं टीम से, तो वो भी एक बहुत मजबूत स्तंभ है, मैच विनर है, अगर किसी मैच में सुपर ओवर फंसता है तो बुमराह एकमात्र गेंदबाज हैं जो सुपर ओवर करके दिखाएंगे, तो बुमराह भी इस 11 का हिस्सा होंगे। और बुमराह के बाद देखिए टाइमर मिल्स, ये भी ट्रेंट बोल्ट की जो रिप्लेसमेंट है ये भी दावेदारी उसकी करते हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस के लिए वो रिप्लेसमेंट का काम कर सकते हैं क्योंकि अब ट्रेंट बोल्ट नहीं है जो आपकी शुरुआत करते थे, लेकिन आपके पास टाइमर मिल्स हैं, टाइमर मिल्स उस श्रेणी के गेंदबाज हैं जो आपको ट्रेंट बोल्ट की जो है कमी नहीं खलने दे सकते क्योंकि यही उनसे एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। और इसके बाद जो अंत होता है टीम का, नहीं जो 11वां खिलाड़ी है वो कौन है? देखिए 11वां खिलाड़ी जो होगा बसील थम्पी होंगे। देखिए पहले मैच में अच्छी बॉलिंग करी थी, विकेट्स मिले थे, बट दूसरा मैच जॉस बटलर ने 26 रन देकर उसके बाद रोहित शर्मा ने उन्हें ओवर ही नहीं दिया, इस कदर का उस दिन रहा था बसील थम्पी, दिन खराब था हम कहेंगे। देखिए 26 रन एक ओवर में कंसीड करवा देना, उसके बाद फिर ओवर नहीं मिलता, कहीं ना कहीं उनका मनोबल गिराएगा, बट इस मैच में मुंबई इंडियंस एक्सपेक्ट करेगी उनसे कि अच्छी बॉलिंग करे, अच्छे गेंदबाज हैं बसील थम्पी, अच्छे गेंदबाज हैं, बस उन पर भरोसा दिखाने की जरूरत होगी फ्रेंचाइज को, टीम को, और कहीं ना कहीं भरोसे पर खड़े उतरेंगे और बसील थम्पी को लेकर कई टीमों में खेले हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कमबैक करेंगे, बढ़िया कमबैक करेंगे, व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो मुझे काफी अच्छे खिलाड़ी लगते हैं। देखिए पार्टनरशिप में बॉलिंग करनी पड़ेगी, जैसे पहले जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट किया करते थे किसी जमाने में या पिछले सीजन की बात करें, इस बार जसप्रीत बुमराह के साथ साथ टाइमर मिल्स पार्टनरशिप में बॉलिंग करनी पड़ेगी और साथ ही साथ अगर बसील थम्पी का उनका सहयोग मिलता है तो फिर मुंबई इंडियंस जो है इस सीजन में वापसी कर सकती है, दो मैच हारने के बाद अच्छी बॉलिंग कर सकती है और सामने वाली यानी कि विपक्षी टीम को कम रनों पर रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो देखिए ये थी प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस की तरफ से जो केकेआर के खिलाफ एक्सपेक्टेड है, अगर कोई इंजरी नहीं होती तो यही प्लेइंग 11 जो है खेलने वाला। और इस प्लेइंग 11 में बैलेंस काफी अच्छा है, रोहित शर्मा, ईशान किशन, अनमोल प्रीत सिंह या सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, बढ़िया टॉप ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर है, बढ़िया टॉप ऑर्डर बैटिंग है। अब देखिए मिडिल ऑर्डर में मान लीजिए तिलक वर्मा कैरन पोलार्ड और टिम डेविड तो ये भी अच्छे हैं, डैनियल सैमसन को आपको बैटिंग करके देते हैं, मुरगन अश्विन भी कुछ लगा लेते हैं और जसप्रीत बुमराह, टाइमर मिल्स, बसील थम्पी, ये अच्छी गेंदबाजी के ऑप्शन हैं आपके पास, तो बैलेंस टीम है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उतरेगी ये और ये मुकाबला नंबर होगा 14 IPL 2022 का, MCA के पुणे MCA स्टेडियम पर पुणे में मैच खेला जाएगा। KKR की क्या 11 है ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, स्पोर्ट्स ट्रैक पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मुंबई की स्क्वाड कहाँ क्या होने वाली है, आप क्या सोचते हैं इन 11 के बारे में और कौन इस मुकाबले को जीत सकता है आपकी राय में, कमेंट सेक्शन आपके पास है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और क्रिकेट से जुड़ी और IPL से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए, एक एक अपडेट्स के लिए स्पोर्ट्स फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां पर होती है स्पोर्ट्स की बात फैक्ट के साथ, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।